देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों के बीच 1 जनवरी से 15 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन कोविन प्लेटफॉर्म के चीफ आरएस शर्मा के मुताबिक स्कूल आईडी कार्ड भी मान्य होगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुद आरएस शर्मा। आरएस शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। और पहला सवाल, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की मुहिम को ये जो शुरू होने जा रही है उसके लिए जितने भी माता पिता हैं उनके जहन में सवाल यही है कि प्रोसेस क्या पहले जैसा ही होगा या फिर इसमें अभी कुछ बदलाव हुआ है? जिस कोविन प्लेटफॉर्म पे बाकी लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है उसी कोविन प्लेटफॉर्म पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी होगा, और जिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पे उनको वैक्सीन लगती है सब लोगों को उन्हीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वैक्सीन लगेगी। कोई अलग से वैक्सीनेशन सेंटर भी नहीं होंगे, कोई अलग से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी नहीं होगा। अंतर थोड़े 2-3 होंगे। पहला अंतर होगा कि जो बच्चों की वैक्सीन है वो केवल 2 वैक्सीन है, जाइडस कैडिला की वैक्सीन और वो वैक्सीन अब तक के जो हमारे रेगुलेटर ने मंजूर की है, तो वही वैक्सीन बच्चों को दी जा सकेगी, नंबर एक। नंबर दो, बच्चों के पास क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड जिसको हम आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार करते हैं वो नहीं होता, इसलिए हमने बच्चों के लिए स्टूडेंट का आईडी कार्ड जो है वो भी हम उसको मान्य कर रहे हैं, जिससे कि उसको भी लेकर के वो रजिस्ट्रेशन करा सके। आधार तो है ही, आधार कार्ड है और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन स्टूडेंट आईडी कार्ड को हमने इस सूची में जोड़ दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में और जो पॉलिसी डिसीजन है उसमें कोई संशय का गुंजाइश नहीं है। 15 से 18 वर्ष के लोगों बच्चों के लिए ये वैक्सीन अभी शुरुआत की जा रही है, और इसमें हमने और सरल कर दिया है, जिन बच्चों की का जन्म 2007 के किसी भी महीने में या उससे पहले 2006-2005 में हुआ वो सारे के सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। आरएस शर्मा जी, फ्रंटलाइन 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए जो प्रिकॉशन डोज अब लगेगा, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि जो लोग दोनों डोज लगा चुके हैं, समय सीमा को लेकर, समय सीमा कितनी होगी, कितने टाइम बाद प्रिकॉशन डोज लग सकता है? जिन लोगों को, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हों या हेल्थ वर्कर्स हों या फिर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हों, जिन लोगों ने 9 महीना पहले दूसरी डोज लगवा ली है, 9 महीना पहले या उससे ज्यादा पहले, उनको प्रिकॉशन डोज के लिए वो एलिजिबल हैं। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया रखा गया है कोमॉर्बिडिटी का, तो वो कोमॉर्बिडिटी के क्राइटेरिया में अपना जो डॉक्टर से सर्टिफाइड लाएंगे उसके आधार पर उनको डोज दी जा सकेगी। तो ये बेसिक तरीका है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी है उन्हें तीसरे डोज की जरूरत नहीं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि संशय अभी बना हुआ है, कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं 2 डोज ही काफी है। देखिए, ये तो पॉलिसी है कि जिन लोगों ने 2 लगवा लिया है वो एलिजिबल हैं, उनको हम संवाद देंगे, उनको हम बताएंगे कि आपको लगवानी है, उसके बाद फिर बाकी और भी तरह की चीजें हम लोग करते हैं जिससे कि लोगों की अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों में जागरूकता आए और लोगों को पता चले कि भाई आप लगवा लीजिए अपना प्रिकॉशन डोज। तो ये तो बेसिक जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो अनवरत चलता ही रहता है। और ये जो 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन लगेगी, ये भी सवाल है कि कौन सी कंपनी की होगी, कोविशील्ड की होगी, कोवैक्सीन की होगी, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। अब तक की जानकारी के अनुसार 2 वैक्सीन रेगुलेटर ने बच्चों के लिए अप्रूव की है, वो है जाइडस कैडिला की वैक्सीन और कोवैक्सीन जी भारत बायोटेक की। तो ये दोनों वैक्सीन जो है बच्चों के लिए अप्रूव हुई है, और इन्हीं दोनों वैक्सीन में से किसी को, दोनों को लगाया जाएगा, जो भी बच्चा, जो भी जहां पे लग रही होगी वो वैक्सीन, इनमें से दोनों में से कोई वैक्सीन लगाई जा सकेगी बच्चों के लिए। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि दूसरे डोज को लेकर थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी है और क्या कहेंगे आप तमाम देशवासियों को? ये तो मान के चलिए कि 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है इस देश में, पहली वैक्सीन 90% से ज्यादा लोगों को लग चुकी है, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, पूरा वैश्विक कीर्तिमान है। मुझे नहीं लगता किसी भी बड़े देश में 90% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी होगी, जो एडल्ट लोग हैं उनको, जो एलिजिबल हैं उनको। तो ये तो प्रक्रिया बहुत बहुत अच्छे तरीके से चल रही है,
उसी प्रकार से सेकेंड डोज भी अब देख रहे हैं आपकी सेकेंड डोज लगने वालों की संख्या फर्स्ट डोज लगने वालों से ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है।